ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि वृष राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। वृष राशि, जिनके राशि स्वामी शुक्र देव होते हैं, जो कि 7 अगस्त तक फोर्थ हाउस में सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो इस समय आपको अपने स्किन एलर्जी से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन इन्फेक्शन होने के, एलर्जी होने के बहुत ज्यादा चांस बने हुए हैं। यूरिन इन्फेक्शन के भी बहुत ज्यादा चांस बने हुए हैं, तो इसलिए साफ सफाई का भी ध्यान रखें। जिन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है ना, उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो ये जो महीना है आपका पूरा फोकस है ना अपने करियर पर रहने वाला है, अपने करियर को इम्प्रूव करने में, कोई भी लाइन चुनने में आपका रहने वाला है, और इसमें आपका परिवार भी आपका फुल सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं कि मैरिड कपल्स के लिए जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। मैरिड कपल्स के लिए जो महीना है ना, टोटली आपकी वाणी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। जैसी आपकी वाणी वैसा ही आपका रिश्ता, यानी कि आपको मीठी वाणी का प्रयोग करना है, तभी जो रिश्ता है आपके साथ रहेगा, आपके सपोर्ट में रहेगा। अब बात करते हैं कि लव कपल्स के लिए जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। लव कपल्स के लिए भी ये जो महीना है ना, बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक दूसरे का सपोर्ट भी रहेगा और अटैचमेंट भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर का भरोसा ना तोड़ें। अब बात करते हैं कि बिजनेस वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। बिजनेस वालों के लिए जो महीना है ना, बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। शांत दिमाग से जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो आपके फेवर में रहेगा। जल्दबाजी में किया गया निर्णय जो भी है ना, वो आपके फायदे की बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए थोड़ा सा शांत दिमाग रख के, पेशेंस रख कर चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कि जॉब वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। जॉब वालों के लिए महीना थोड़ा सा हार्ड वर्क से भरा रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, या फिर जॉब के पर्पज से ही आपको इधर उधर यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो महीना है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, इसके साथ में आप पक्षियों को दाना खिलाएं और गाय की सेवा जरूर करें, माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लें। ओम नमः शिवाय।